नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी एक ऐसी बीजेपी की मंत्री हैं और नेता हैं और सांसद भी हैं जो हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर जिस पर उनकी हमेशा से किरकिरी हुई। अब सवाल यह है कि अब क्या हुआ। दरअसल 2024 के चुनाव है, 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा नेताओं और लोगों की जो निगाहें रहती हैं वो यूपी चुनाव पे रहती हैं। सबको पता है यूपी में रहती हैं वो, इसलिए क्योंकि 80 सीटें हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें बनी रहती हैं अमेठी यानी कि स्मृति ईरानी पर। वो इसलिए क्योंकि सब बाखूबी तरीके से जान रहे हैं कि वहां से उन्होंने राहुल गांधी को हराया, प्रियंका गांधी को धूल चटाई, यूं कहें कि गांधी परिवार का जो एक दबदबा और कब्जा था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब ऐसे में देखिए, जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की उन्होंने किरकिरी कराई, स्मृति ईरानी की कई झूठ का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद से वो अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, वापस लाने के लिए क्या कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने जो उनका सत्ता खजाना है उनको खोला और उसके बाद लगभग 25 करोड़ का जो है सौगात यूपी के जनता के लिए उन्होंने दिया। एक अच्छा फैसला ऐसे वक्त में जब कोरोना के बाद और देश में इतनी बेरोजगारी है और ऐसे वक्त में जो आम लोगों की कमर टूटी हुई है, वाकई में उन गरीब तबके के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। क्या यही वजह है कि स्मृति ईरानी अब ये सोच रही कि लोगों के लिए अब काम करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई से जो है लोग परेशान हैं? क्या इसलिए स्मृति ईरानी सोच रही हैं कि अगर अब महिलाओं के लिए नहीं अगर अब काम करेंगे तो फिर 2024 में आने वाले वक्त में खेल खत्म हो जाएगा? जानकार जो है ये भी कहते रहे हैं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी के बोल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी का अपमान किया, जिस तरीके से वो चिल्लाते हुए नजर आई थी, बौखलाते हुए नजर आई थी, बीजेपी शायद उनको 2024 से पत्ता काट भी दे, जानकार ये भी कह रहे थे। क्या उन सब चीज़ों को नजर रखते हुए कि स्मृति ईरानी फिर से एक बार जमीन पर आ रही हैं, दिल्ली यूपी के दहलीज पर आ रही हैं और लोगों से मुखातिब होकर सौगात इसीलिए दे रही हैं ताकि 2024 में जो जिस उम्मीदों पे बीजेपी ने उन्हें मौका दिया वो बरकरार रहे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए देश दुनिया के बारे में खबर लेते हैं। स्पेन आई न्यूज़, नमस्कार।